लिखो मोल कंसेप्ट, ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था मोल कंसेप्ट, दोबारा से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चों को समझ में नहीं आया मोल कंसेप्ट। तुम कहाँ देख रहे हो? उधर भाई, इधर, यहाँ यहाँ देखना बेटा, उस कैमरे में नहीं देखना, मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो पहले जानते हैं मोल क्या होता है। आप देखो प्रेमलता, मोल जो होता है वो एक नंबर होता है, इज अ नंबर, जिस तरह से हमारा दर्जन होता है वो भी क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। हमने कहा एक दर्जन बुक्स, इसका मतलब 12 बुक्स। हमने कहा एक दर्जन ऑरेंज, ऑरेंजेस, हमने कहा 12 ऑरेंजेस। इधर आपने पढ़ा होगा जोड़ा, पेयर कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो पेयर का मतलब होता है टू, क्या होता है? तो पेयर एक नंबर है खाली, इसका मतलब होता है दो। तो हमने कहा कि एक पेयर शूज, वन पेयर शूज, तो इसका मतलब हो गया आपका 200। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से दर्जन एक नंबर होता है, पेयर एक नंबर होता है, हमारा मोल भी क्या होता है, एक नंबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10²। ठीक है, हमने कहा एक मोल एटम्स, इसका मतलब होता है 6.022 × 10²³ एटम्स। मोल जो है वो सिंपली आपका क्या होता है, एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू 6.02। तो एक मोल एटम का मतलब हो गया 6.022। इधर हमने कहा एक मोल मॉलिक्यूल्स, तो उनका मतलब हो गया 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पूरा लेना है इस तरह से। तो अब जानते हैं कि मोल की कोई यूनिट नहीं होती है, नंबर होता है खाली एक, ठीक है। लेकिन जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो हम लिख देते हैं कि हमने 2 मोल कैलकुलेट किए हैं। कितने मोल कैलकुलेट किए हैं? 2 मोल, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि मोल्स किसी भी गिवन सब्सटेंस का मोल्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये तो आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ हाँ रुको ना, पहले इसको और बेसिक कर लो ना। सही, जैसे आपने पानी लिया, आपने लिया 180 ग्राम वाटर, कितना पानी लिया है? 180 ग्राम लिया है, ठीक है। और वाटर के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। हर एक मॉलिक्यूल जो है वो H2O है। क्या है? H2O। आपको बताना है कि इस 180 ग्राम पानी में कितने मोल्स होंगे पानी के, यानी मोल कितने होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स, पूरा ही फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है जो भी आपको मास दिया हुआ है, गिवन मास कितना दिया है 180 ग्राम, अपॉन में मोलर मास, जो कि आपको निकालना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल का या उस कंपाउंड का। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये मोलर मास भी होता है, यानी एक मोल का कितना मास होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं, जो कि ग्राम ग्राम में निकलता है। किसमें निकलता है? किसी भी एक मोल जो लिया है आपने उसका कितना मास होता है उसे मोलर मास कहते हैं, ये ग्राम में निकलता है। कैसे निकलता है मैं आपको बता दूंगा साथ के साथ। हाँ, तो और इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपने संख्या दे रखी है आपको, उसमें क्या दे रखी है, किसके मॉलिक्यूल्स की, कि भाई जो हमने पानी लिया उसके अंदर जो है 50 लाख पानी के मॉलिक्यूल है, कितने लाख, तो आपको बताना है कितने मोल्स बने उसके, ठीक है। तो वो होता है आपका एन अपॉन में एन नॉट, अब एन नॉट होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, या एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं इसको।
जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022, ये 1 मोल के, 1 मोल के बराबर 6.022 टेन टू पावर 23। ठीक है, एक और होता है, अगर आपका ये गैस है, मान लो क्या है गैस, तो आपका होता है V अपॉन में V नॉट, और गैस किस पे होनी चाहिए, एसटीपी पे, गैस एट एसटीपी। अगर आपको मान लो लिक्विड नहीं दे रखा या सॉलिड नहीं दे रखा, आपको कोई गैस दे रखी है, क्या रखी है गैस, तो जनरली हम गैस का, गैस को का जब हम अमाउंट लेते हैं तो वो लीटर वॉल्यूम में लेते हैं, किस में लेते हैं वॉल्यूम में, लीटर में, ml में, ग्राम पर एम सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर में, इस तरह से लेते हैं। तो गैस आपकी एसटीपी पे होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए एसटीपी, एसटीपी की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर आपका होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होना चाहिए 1 बार का, और 1 बार जनरली जो है हम बराबर ले लेते हैं 1 ATM के, लेकिन 1 ATM थोड़ा सा बड़ा होता है, तो 1 बार या 1 ATM का प्रेशर हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो टेम्परेचर हो। तो V जो है वो वॉल्यूम है जो आपको दे रखा है गैस का, और V नॉट कहलाता है आपका 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम होता है। V नॉट क्या होता है, अगर आपने कोई गैस लिया है, क्या लिए गैस, और कितने पे लिए एसटीपी पे, और कितना मोल लिया उसका 1 मोल, तो वो वैल्यू V नॉट होती है, उसके वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है V नॉट, ये होता है 22.4 लीटर, यानी 1 मोल गैस की, कितने की 1 मोल गैस एट एसटीपी। कोई भी गैस ले लो आप, कोई सी भी गैस ले लो, H2O2 कुछ भी ले लो, उसका आपने 1 मोल लिया है अगर एसटीपी पे, तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना निकलेगा 22.4 लीटर फिक्स है। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, तो अब मैं निकाल के दिखा रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स, हमारा जो क्वेश्चन था, गिवन मास कितना है 180 ग्राम अपॉन में मोलर मास वाटर का निकालते हैं, वाटर का मोलर मास हो गया आपका H का कितना हो गया 1 × 2 प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, तो आ गया 18 ग्राम। जनरली मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम खाली अगर आप जैसे ग्राम पर मोल पुट करोगे यहाँ पे, तो आपकी नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या निकल के आएगी, मोल्स कैसे निकलेगी देखो, वैसे मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल की, मतलब 1 मोल का कितना ग्राम है, वही तो होता है मोलर मास भाई। हाँ, तो मैंने ये कहा था, वैसे तो आपकी मोल्स की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो आप क्या लिख देते हो कि भाई 2 मोल आए, कितने आए 2 मोल या 3 मोल आए, तो वो 2 मोल मोल कहाँ से आया, तो वही बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया आपका 18 ग्राम पर मोल, मोल ऊपर चला गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो कितना आया 10 मोल, तो यहाँ से आता है मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसके अंदर 10 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए जरा, इसको उतार लीजिए फटाफट, क्वेश्चन लिखिए। तो आप इसमें जो है मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, किसी किसी में एटम्स होते हैं उसमें तो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है, जैसे आपने कहा आयरन, क्या कहा आयरन, या आपने सोडियम कह दिया, सोडियम लिया है आपने, तो उसके अंदर सोडियम के मेटल्स सॉरी सोडियम के एटम्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 585 ग्राम ऑफ NaCl, फुल स्टॉप, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ NaCl आयनिक एंटिटीज, आयनिक मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ NaCl पार्टिकल्स, पूरा NaCl एक पार्टिकल मान के चलना है आपको। ठीक है, निकालिए,
यानी आपको एक तो ये निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, और क्या निकालना है एन निकालना है, निकालिए पार्टिकल्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ NaOH पार्टिकल्स इन वन सिक्सटी ग्राम ऑफ NaOH। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे पहले आप गीवन लिख लिया, बोलो गीवन क्या है आपको। तो गीवन है स्मॉल एम, गीवन मास है। अब निकालना क्या क्या है आपको, तो ये आपको दे रखा है स्मॉल एम 160 ग्राम। निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ NaOH पार्टिकल यानी एन निकालना है, और क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है यानी स्मॉल एन, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो ये तो उसी फॉर्मूले, दोनों चीज उसी फॉर्मूले से निकल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको NaOH का क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालिए। भूपेंद्र कितना होता है NaOH का मोलर मास, 40। ठीक है, उनको पहले करवाया था ना इसको, इनको याद है। आप निकाल सकते हो NaOH अलग से, देखो यहाँ पे प्रेमलता NaOH सोडियम का कितना है 23, ओ का कितना हो गया 16, और इसका कितना हो गया 1, जोड़ोगे तो आएगा 40 ग्राम पर मोल। आ गया, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स 4 निकला। अब निकालो नंबर ऑफ NaOH पार्टिकल्स यानी N, 4 मोल निकला है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप N, N नॉट को। अभी ऐसे लिख दो, लेकिन लिख लो साइंटिफिक नोटेशन में, अच्छी बात है, इसको भी बता देना साइंटिफिक नोटेशन में। पॉइंट को किधर ले गए हो, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका प्लस होगा उधर। ठीक है, NaOH पार्टिकल्स ऐसे लिखो पूरा, NaOH पार्टिकल्स। चौबीस, हाँ हाँ 24। क्वेश्चन करिए, सब वही है सेम। अच्छा, H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नहीं तो H2O2 क्या होता है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, और ये एक लिक्विड होता है। ठीक है, और ये वाटर से थोड़ा सा हैवी होता है, हल्का। कितना आया इसका मोलर मास H2O2 का, हैं 20 तो नहीं आएगा, 34 आएगा H2O2 का। कितना आया नंबर 20? ठीक है, तो तुमको आ रहा है ना समझ, जहाँ पे ना आए पूछना है।
किसी को समझ में ना आए पूछना है मुझसे। लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ H2O2 पार्टिकल्स निकालने हैं। 20 से गुणा कर दो एन नोट को, बस सीधा डायरेक्ट निकल गया, डायरेक्ट निकाल लो चाहे तो। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर करना, तो उसमें आप फंस सकते हो। अब मैं इसमें हिंट बिल्कुल भी नहीं दूंगा, आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो खुद ही करना है आपको, बहुत आराम से क्वेश्चन समझना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स इन 448 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। तो जो सोल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? और उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। ये जो कंपोनेंट होते हैं, हो सकता है कि सॉल्यूट, पहले जाने तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, तो जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, तो ज्यादा मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉलिड कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अलॉयज पढ़े होंगे आपने, मेटल अलॉयज। मिश्र धातु सॉलिड और सॉलिड में, सॉलिड दो चीजों को, दो दोनों चीज सॉलिड है भाई, सॉलिड में लगा है ना, जो कम मात्रा में है वो सॉलिड हो गया, तो ज्यादा मात्रा में वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हमने जान लिया, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम दो कंपोनेंट वाला लेके चल रहे हैं, यानी दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसमें वो कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब संघटक, वो कंपोनेंट जो कि कम मात्रा में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है, यानी विलेय, ठीक है, और जो ज्यादा मात्रा में होता है सॉल्वेंट कहते हैं, यानी विलायक। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन लिया है, उसमें एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट होगा कम मात्रा में, लेस क्वांटिटी, और ये होगा लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा में। फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है, ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, इस तरह से ये भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। अगर हम लिक्विड एंड लिक्विड की बात करें, मान लो ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो एल्कोहल इन वाटर, थोड़ा अल्कोहल पानी में, ज्यादा पानी मिलाया तो अल्कोहल सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी हो गया। अगर गैस इन गैस की बात करिए, बिल्कुल सही, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर सॉलिड इन लिक्विड की बात करी तो चीनी को हमने पानी में मिला दिया, नमक को पानी में मिला दिया। तो जिसमें आपके दो कंपोनेंट होते हैं उसको हम जो है बाइनरी की सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी। बाइनरी का मतलब टू होता है। तो कभी कभी हम इस सॉल्यूट को जो है कंपोनेंट फर्स्ट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट फर्स्ट, और इसको कंपोनेंट सेकंड। कोई कोई इसको कंपोनेंट सेकंड मानता है, उसको कंपोनेंट फर्स्ट मानता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कंपोनेंट ए बी भी कह सकते हो, इसको ए कह दिया, उसको बी कह दिया, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप जानते हैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, पर समझ लो यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तुम भी समझो यहाँ पे। एग्जांपल लेके करता हूँ,
आपने 200 ग्राम चीनी, ऊपर वाला मिटा दूं, पूरा नहीं बताऊंगा जितना मिटा है। आपने 200 ग्राम चीनी 800 ग्राम पानी में घोल दी, अभी मिक्स करने का प्रोसेस है खाली, ये घुल चुकी है, यानी आपका बन गया शुगर सॉल्यूशन। क्या बन गया? और शुगर सॉल्यूशन कितने कितना हो गया टोटल? अब 1000 ग्राम, कितना ग्राम हो? 1000 ग्राम हो गया टोटल, ठीक है। 200 ग्राम चीनी आपने 800 ग्राम पानी में घोल ली है, यानी चीनी क्या हो गया आपका? सॉल्यूट हो गया। वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट, दिमाग पे कोई जोर नहीं डालना, जो कम है वो सॉल्यूट हो गया। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट आपने कितने सॉल्वेंट में मिलाया था। अभी कितना किसमें मेजर हो सकता है, ये तो कितना वर्ड है, किसमें मेजर कर सकते हो? कंसंट्रेशन सिंपली मतलब समझ लो कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में घोला गया या मिलाया गया। अब कितना ग्राम में भी निकाल सकते हो, कितना आप एमएल में भी ले सकते हो, जो कितना वर्ड है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तुम देखो बेटा यहाँ पे कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ए बाबू तेरा ध्यान किधर है, फिजिक्स वाला टीचर इधर है, और कैमरा मत लाओ बेटा मेरा। तो कंसंट्रेशन मतलब सिंपल समझ में आ गया, कितना सॉल्यूट डिजॉल्व इन कितना सॉल्वेंट, यानी गिवन सॉल्वेंट। अबे कितना जो है वो किसमें ले सकते हो भाई, कितना आप ग्राम में भी ले सकते हो, कितना आप लीटर में भी ले सकते हो, कितना आप एमएल में भी ले सकते हो, या कितना आप मोल्स में भी ले सकते हो, कितना आप मोल्स में भी ले सकते हो। तो ये कंसंट्रेशन है सिंपली। तो जाहिर सी बात है कि हमने कितना किसमें मेजर किया था, अगर हमने कितना ग्राम में मेजर किया है या कितना हमने मोल्स में मेजर किया है, तो उस बेसिस पे हमारे जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट टाइप्स के आप एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कई तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को दर्शाने के। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन तो हमने सिंपली समझ ली कि भाई कितना सॉल्यूट जो है हमने मिलाया गिवन सॉल्वेंट में। अब कई तरीके होते हैं दर्शाने के कंसंट्रेशन को, यानी डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इतना उतार लो पहले ये वाला क्वेश्चन, खाली इतना उतारो जो अभी जस्ट बता बता, उसके बाद ये हेडिंग डालना। पहले बेटा ऐसे कर लो, क्योंकि हम जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो ये खुराफाते हैं ये पूरी दुनिया में फैल सकती है, फैलेंगी नहीं फैलेंगी, यूट्यूब पे जाएगा तो दुनिया के किसी भी कोने में। अच्छा हाँ एक चीज और बता, मैं मेरे वीडियोस जो है वो 46% इंडियन लोगों ने देखे हैं और 54% बाहर के लोगों ने देखे हैं। हाँ उसमें वो आता है ना रिकॉर्ड आता है उसमें, अब मुझे समझ नहीं आ रहा विदेशी लोगों ने देखे उन्हें समझ में क्या आया होगा, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि मैं मिक्स लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो इंग्लिश वाला पोर्शन तो समझ गए होंगे, हिंदी में क्या समझ में आया होगा उनको। हाँ जो इंडियंस रह रहे होंगे बाहर, हो सकता है उन्होंने देखा हो तो सामने आया हो। जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े तो मेरा पैसा आना शुरू होगा थोड़ा सा। हाँ वही डाल दूंगा, सब्सक्राइबर ऐसे बनेंगे मेरे, अगर मैं बता रहा हूँ मेरे अगर 80 वीडियो या 60 वीडियो हो गए ना तो 1000 साल। हाँ वीडियो बन गई तो क्या होगा, उड़ा दूंगा मैं सब एडिटिंग में। हो गया बेटा उतार लिया हेडिंग अब। हाँ, नहीं, वो मोनेटाइजेशन वो आपको है ना, वहाँ पे जब आप मोनेटाइज करोगे ना वहाँ ऑप्शन पे होता है कि आपको ऐड करवाने की नहीं करवाने। नहीं, वहाँ पे यूट्यूब करेगा सारा, हमारे अटक नहीं हो, पता नहीं मुझे, देखेंगे क्या है, तुम कर देना। ऐसे बच्चे ना इन सब काम बहुत तेज होते हैं, तो
पहला तरीका है उसको कहते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पहला तरीका है कंसंट्रेशन दर्शाने का। आपने शुगर लिए, पानी में घोल दिया, आपका शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब मोलैरिटी समझ लो, यू मोलैरिटी समझ लो। हमने कहा था कितना कितने में घोला जाए, तो मोलैरिटी केस में आपको जो कितना लेना है शुगर का वो है मोल्स में, लेना है ग्राम में नहीं लेना। और अगर आपको ग्राम में दे रखा है शुगर, तो पहले आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में, क्योंकि आपको इस केस में सॉल्यूट का मोल्स ही लेना है, यानी सॉल्यूट का जो कितना है वो मोल्स में होना चाहिए। ठीक है, तो कितना सॉल्यूट, अब आपको जाना है सॉल्यूशन में कि कितना वॉल्यूम बनाता सॉल्यूशन का। यानी कितना मोल्स आपने कितने सॉल्यूशन में पाया गया है, यानी कितना लीटर में पाया गया। फोकस करो विजिबली, सॉल्वेंट नहीं लेना आपको। कितना मोल शुगर जब आपने घोला तो आपका कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन बन गया। अब आपको जो है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन लेना है, और सॉल्यूट लेना आपको मोल्स में, और सॉल्यूशन का अमाउंट क्या लेना है लीटर में, यानी वॉल्यूम में। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग, इसे विजुअलाइज कर लो, देख लो। सॉल्यूट इन मोल्स, सॉल्वेंट का नहीं लेना आपको, बल्कि आपको क्या लेना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका मॉलिटी हो गया, नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से दिखा, और नीचे क्या था, नीचे लेना हमको वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और ये किसका, सॉल्यूट यानी शुगर कितनी घोली थी, इसमें लेना आपको लीटर में लेना है। निकल गया आपका फॉर्मूला, और इसकी जो यूनिट होती है मोलिटी की वो होती है नंबर मोल में, बिल्कुल मोल पर लीटर। और एक मोल पर लीटर को आप 1 m भी लिख सकते हो। 1 m का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। इस शब्दों को समझ लो, क्वेश्चन में शब्द घुमा फिरा के दिए जाते हैं। आपको दे दिया अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, क्या दे दिया, अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 यानी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब हो गया कि मोलरिटी कितनी है, 0.1 मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन को घुमा के दिया जा सकता है, आपको दे दिया 0.02 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, आपको ये लाइन दे रखी है 0.02 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो मोलरिटी है भाई, मोलर कंसंट्रेशन मतलब तो ये था, यानी ये इसकी मोलरिटी आपकी हो गई 0.02 m। ठीक है, तो शब्दों को घुमा फिरा के, अगर आपका वॉल्यूम लीटर में नहीं है बल्कि किसमें है, ml में, आपको 1000 से गुणा भी करना है, यूनिट यही रहेगी उस केस में भी। इस केस में भी यूनिट आपकी यही रहेगी, मीटर ही रहेगी उस फॉर्मूले में भी। ठीक है, उतार लो। तो नंबर ऑफ मोल्स लेने आपको मोलिटी केस में, और लेना क्या है, वॉल्यूम सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं लेना। बेटा बस मेरा स्टैंड नहीं घुमा देना, बेटा तुमसे क्वेश्चन हो गए। दूसरा जल्दी उठा, फास्ट फास्ट डू इट फास्ट।
नेक्स्ट है आपका तरीका दिखाने का, मॉल है लिटी। ठीक है, सेम कैसी ले रहे हैं हम, साफ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब हमारा है मोलैलिटी। तो आपने शुगर सॉल्यूशन बना लिया है, गिवन अमाउंट इन गिवन वाटर आपका सॉल्यूशन बन चुका है। मोलैलिटी केस में क्या होता है कि जो आपको शुगर लेनी होती है वो मोल्स में ही रहेगी आपकी, और इस केस में अब हम फोकस करेंगे सॉल्वेंट पे, सॉल्यूशन का कुछ नहीं लेना आपको। और सॉल्वेंट भी किस में लेना है आपको, केजी में, यानी मास लेना है। तो मोलिटी का मतलब है कि कितने मोल सॉल्यूट आपने कितना केजी लिक्विड में, यानी सॉल्वेंट में जो भी आपने लिया है उसमें आपने डिजोल्व किया। अब आपकी क्या निकलेगी, मोलैलिटी, यानी कितना मोल सॉल्यूट कितने केजी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया। केजी का मतलब मास, ठीक है, एन अपॉन एम। एम किस में लेना है, केजी में, ठीक है। ये याद रखना, एम किसका है, सॉल्यूट का एम नहीं है, बल्कि किसका है, सॉल्वेंट का। तो आप यहाँ पे M2 भी ले सकते हो, क्योंकि आपने सॉल्वेंट को सेकंड नंबर दिया है, ये सेकंड नंबर दिया है और ये फर्स्ट नंबर दिया है, और ऊपर आप N1 लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैं पूरा, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मैं मास ऑफ गिवन, मास ऑफ गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी आपको मास दे रखा है, और ये किसमें होना चाहिए। तो आप देखो क्या यूनिट निकल के आई बेटा, मोल्स पर केजी। इसको आप दे सकते हो ऐसे भी, पर केजी। एक तरीका और लिखने का, मोल फिर केजी लिखो, उस पर -1 लगा दो, ठीक है, ये भी पर केजी हो गया। और 1 मोल पर केजी का मतलब होता है 1 स्मॉल m, इसका मतलब होता है मोलल। क्या मतलब होता है, मोलल, मोलल कंसंट्रेशन। आपका मास जो है सॉल्वेंट का केजी में नहीं है, बल्कि किसमें है, ग्राम में, तो आपको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपकी यूनिट यही रहेगी। वहां पे ग्राम मत यार लिख देना, वहां पे जाके कि इसमें भी ग्राम आ गया, कि भैया ने तो यहाँ पे भी ग्राम दिया, भी ग्राम लिख दिया, वो 1000 से कट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने कहा है अ सॉल्यूशन हैविंग 0.03 मोलल कंसंट्रेशन, का मतलब क्या होता है, अ सॉल्यूशन हैविंग 0.03 मोलल कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि ये मोलैलिटी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, यानी 0.0 या फिर 0.03 मोल पर केजी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका आपको पता ही है, किसी के मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन। अच्छा एक चीज और इसमें साथ के साथ बता दूं कि मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में ही बताया, बहुत सिंपल सा है। मास इज इक्वल टू होता है उसका वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। देखा, अगर आपको मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है, 1 ml वाटर की बात करें
कितना ml वाटर, तो ये तो वॉल्यूम हो गया वाटर का, क्या हो गया, तो 1 ml वाटर का मतलब हो गया आपका कि 1 ग्राम मास है उसका, तो 1 ml पानी जो है 1 ग्राम का होता है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो पानी के केस में। तो अगर 1 ml पानी है 1 लीटर, तो कितने ग्राम का हो गया, वो 1000 ग्राम का यानी 1 किलो का हो गया। 200 ml पानी कितने ग्राम का हो गया, 200 ग्राम का। इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, बता लो फटाफट, बड़ा वीडियो चल रहा था, ठीक है बता लिया पूरा, ये भी बता लिया, उतारो उतारो बेटा उतारो। तो क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ एन ए एच इज डिजॉल्व टू मेक 0.5 m यानी मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जिसका लीटर है आपका 5.5 वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पे आपको मोलरिटी दे रखी है, आपको क्या निकालना है, सॉल्यूट का मास निकालना है। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, वो जो मोलरिटी वाले फॉर्मूले से निकल जाएंगे, और फिर उस नंबर मोल से आप क्या निकालोगे, मास निकाल लोगे। निकालिए इसको, शुक्रिया आपने बहुत बहुत अच्छा किया, हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर को कबाड़ा कर दिया। वन थाउजेंड का है वो वैसे। बेटा मेरा कैमरा ना हिल जाए, जल्दी से क्वेश्चन कर लो, ये अरे वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है भाई, मॉडरिटी है। तुम फिट हो गए और कुछ भी नहीं, छोटी छोटी बात निकल जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप छोटा एम निकालोगे पहले, जब निकालोगे ना छोटा एम, जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे मॉडरिटी वाले फॉर्मूले से निकला। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, आपको गिवन मास निकालना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स से मास निकाल लीजिए। ये फॉर्मूला होता है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकाल लोगे। अब नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब आपको ये निकालना था, यही तो निकालना है, ये आपको पता ही है, ये आपको पता है। मोलरिटी को आप मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, मोलरिटी को आप मोलरिटी, आपका फॉर्मूला है मोलरिटी बराबर होता है 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी। ये डेंसिटी है आपकी सॉल्यूशन की, जो कि आपको ग्राम पर नहीं है, या फिर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, माइनस फॉर्मूला होता है आपका।